उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति बतला दिया गया है कि मैं जो हूँ समस्त यज्ञों का भोक्ता और प्रभु वो मैं ही, और जो इस प्रकार से मेरे को नहीं जानते हैं, है ना, तो इस कारण से वो तत्व से गिर जाते हैं। मेरे को जानने का मतलब क्या है कि जो अन्य देवता की पूजा कर रहे हैं और ये नहीं समझते हैं कि इन देव में भी मैं ही विराजमान हूँ, इन समस्त भिन्न भिन्न नाम और उपाधि वाले जो ये देव है ये भी, इनका भी अंतरात्मा मैं ही हूँ, तो इसलिए भोगता भी और प्रभु भी मैं ही हूँ, तो मेरे को इस प्रकार से नहीं जानते हैं इसलिए तत्व से गिर जाते हैं। तो फिर क्या होता है उनका, तो बतला दिया था, जो देव पूजक है वो देवों को प्राप्त होते हैं, जो पितरों का व्रत लिए हुए हैं श्राद्धादि कर्म परायण हैं तो वो पितरों को प्राप्त, और जो भूत गणों की इज्जा करते हैं पूजा करते हैं वो भूतों को प्राप्त होते हैं, और मद्याजिनः माम यान्ति, और जो मेरा यजन करने वाले हैं मुझ परमात्मा का अभेद रूप से चिंतन करने वाले हैं वो मुझ परमात्मा को प्राप्त कर ले। समझ आया? अब यहाँ पर ये बतलाते हैं कि जो परमात्मा का अभेद रूप से पूजा नहीं करते, चिंतन नहीं कर पाते आत्म रूप से, तो ऐसे जो मंद और मध्यम अधिकारी, मंद अधिकारी, जो मंद अधिकारी है तो उनके लिए बतला रहे हैं, मंद अधिकारियों के लिए क्या बतलाते हैं, तो देखिए 26 वाला श्लोक। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृता मश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रं पुष्पं, पत्रं पुष्पं, फलं तोयं, फलं तोयं, यः, यः, मे, मे, भक्त्या प्रयच्छति, भक्त्या प्रयच्छति, तद अहं, तद अहं, भक्ति, भक्ति, उपहृतं, उपहृतं, अस्नामि, अस्नामि, प्रयतात्मनः, प्रयतात्मनः। क्या कह रहे हैं देव? पत्रं पुष्पम फलम तोयम, है ना, कोई पत्र के द्वारा, पत्ते, पुष्पम पुष्पों के द्वारा, फलम फल आदि के द्वारा, तोयम और जल भी, पत्र मिल जाए, पुष्प मिल जाए, फल मिल जाए, और भी कुछ ना मिले तो, यदि जल भी मिल जाए तो, यह माने जो, मे माने मेरा, भक्त्या प्रियच्छति, भक्ति के सहित भाव युक्त श्रद्धा युक्त हो करके, पूरे भाव भक्ति प्रेम अनुराग प्रीति से संयुक्त होकर जो प्रियच्छति देता,
किसको देता है? मुझे देता है। मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है वस्तुओं की, ये वस्तुएं तो सब मेरे से ही उत्पन्न है, लेकिन भक्तिया का महत्व है। महत्व किसका है? वस्तु का नहीं है। पत्र, पुष्प, धन, संपत्ति, इनका महत्व नहीं है। महत्व किसका है? भक्तिया, भक्ति का महत्व। तो पत्र, पुष्प, फल या फिर जल ही, जो भक्त माम माने मुझे भक्तिया प्रियच्छति, भक्ति से युक्त हो करके जो प्रदान करता है, हैं? भक्ति के द्वारा जो मुझे देता है, तो उस भक्ति से प्राप्त हुए हुए को क्या करता है? तद अहम, वह जो भक्त्युपहृतम, अहम तद भक्त्युपहृतम, मैं वो जो भक्ति के द्वारा प्रदान किया गया है उसको अस्नामी माने खाता हूँ, माने उसको ग्रहण करता हूँ, गृह्णामि, क्या करता हूँ? मैं उसको भी ग्रहण कर लेता हूँ। प्रियतात्मनः, जो प्रियतात्मा है, यतात्मा, और यहाँ पर क्या लगा दिया? प्रियतात्मा। यतात्मनः माने जो संयत चित वाला है, और प्रियतात्मनः माने जिसका चित्त विशेष रूप से समाहित है। अच्छा, अर्थात मुझ परमात्मा में ही, मुझ परमात्मा के स्वरूप ध्यान उसमें ही निरत है चित्त जिसका, मुझ परमात्मा का ही निरंतर स्वरूप जो जिसके लिए ध्येय है, मैं ही सामने रहता हूँ। जिसके सामने कौन रहता है? मैं ही रहता हूँ। अर्थात वृक्ष तो मैं, गाय तो मैं, हाथी तो मैं, सब उसको क्या दिख रहा है? उसको हवा तो मैं, सब कुछ उसको वही दिख रहा है। उसको क्या कहेंगे? प्रियतात्मा। क्या कहेंगे? प्रियतात्मा, जिसका चित्त विशेष रूप से क्या है? समाहित है। शुद्ध बुद्धि है, भाष्यकार ने उसके लिए बोला है, जिसकी बुद्धि शुद्ध है। क्या? बुद्धि जिसकी विशुद्ध हो गई, चित्त जिसका क्या है? समाहित है। समझ आए? तो निरंतर मुझे परमात्मा के ही स्वरूप उसके सामने सम्मुख विराजमान। इसके लिए बता रहे हैं, जो परमात्मा का निर्गुण निरुपाधिक, जो परमात्मा का यथार्थ स्वरूप है, उसको आत्म रूप से जो चिंतन नहीं कर पाता है, ऐसा जो मंद मध्यम अधिकारी है, जो मंद अधिकारी है, उनके लिए मैं इस प्रकार से क्या हूँ? ध्येय हूँ। इस प्रकार से वो मेरी पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं। पत्र, पुष्प, फल, जल, जो भी भक्ति से मुझे प्रदान करें, वो भक्ति से जो मेरे को प्राप्त हुआ है उसको तद अहम अस्नामी, उसको मैं क्या करता हूँ? उसका भोग लगाता हूँ, उसको ग्रहण करता हूँ। भक्ति, कारण क्या है? भक्ति, कारण क्या है? भक्ति से ही क्या हुआ है? चित्त विशुद्ध हुआ है, भक्ति से ही चित्त समाहित हुआ है, भक्ति से ही चित्त निरंतर परमात्मा में लगा हुआ है। समझ आए? तो इस प्रकार भक्त्युपहृतम अस्नामी, भक्ति से उपहृत जो प्राप्त है उसको मैं क्या करता हूँ? अस्नामी, ग्रहण करता हूँ। प्रियतात्मनः, जो शुद्ध बुद्धि है, जो विशुद्ध बुद्धि वाला है ना,
हैं, ये जो शुद्धांतः करण है ना तपस्वी, अंतःकरण में जिसके कोई मल कालुष्य नहीं है किसी भी प्रकार का, ऐसा जो भक्त है वो भक्ति से जो मुझे प्रदान करता है तो उसको मैं ग्रहण करता हूँ, क्योंकि भक्ति ही से ही तो सब कुछ है, सब भाव से ही, सब कुछ क्या है, भाव से, भाव से ये संसार भी भाव से ही चल रहा है, सब भाव से ही तो है, नहीं ये पति ये पत्नी क्या है, ये है पत्नी भाव पति भाव देह में आत्म भाव है, इस जीवत्व में इस आभास में जीव भाव मम भाव, ये सब भाव से ही है, और ये स्थान ये मम भाव अहम भाव ये अहम मम से ही सारा जगत चलता है, नहीं भाव। तो इस प्रकार का यदि विशुद्ध भाव रखे कि परमात्मा का सगुण साकार स्वरूप का या सगुण निराकार स्वरूप का जो भक्ति से जो प्रदान करता है तो उसको क्या करता है, ग्रहण कर लेता है, कौन करता है, जो विशुद्धांतः करण तपस्वी है, मतलब कर, जिसके चित्त में मल नहीं, जिसके चित्त में मल विक्षेप दूर हो गए है इसके भी, लेकिन जिसकी अव्यक्त में जो निर्गुण निराकार परमात्मा है उसके स्वरूप चिंतन करने में जिसकी बुद्धि समर्थ नहीं है, या निर्गुण निराकार परमात्मा का चिंतन करने की जिसकी बुद्धि में रुचि नहीं है, ऐसा जो सगुण निराकार या सगुण साकार परमात्मा का भजन करने वाला जो साधक है उसकी बात बता रहा है। सगुण निराकार, सगुण निराकार ईश्वर है ना, और ये सगुण साकार में ये सब आ जाएगा, ब्रह्मा विष्णु शिव अभिव्यक्त रूप है, और वो जो सगुण निराकार है तो वो माया संयुक्त तो है, ईश्वर हो गया, लेकिन अभी उसने जो है आकार नहीं दिया, गुण है आकार नहीं, ठीक है, गुण माने माया है लेकिन आकार नहीं है, और नीचे वाले में क्या है, उसमें गुण सहित क्या है, आकार भी जिसने ले लिया, गुण से ही तो आकार, माया से ही तो आकार लिया है ना, जो निराकार है उसने अपनी आप से अपनी माया को निकाला, प्रकट की, और माया को जब उसने प्रकट किया अपने साथ में तब वो क्या हो गया, सगुण निराकार हो गया, पहले वो माया भी विलीन थी मेरे में, पहले मुझ आत्मा में माया भी, जैसे मेरी जो विचार शक्ति है चिंतन शक्ति है वृत्ति है संकल्प है वो कहाँ है, मेरे में विलीन है ना, मैं प्रकट कर लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ, और मैं क्या फिर क्या कर लेता हूँ, तो उसको अपने अंदर समेट लेता हूँ। तो वैसे ही परमात्मा की जो अभिन्न कल्पित अनादि शक्ति माया है उसको क्या किया, उसने उसको प्रकट किया, उसके अस्तित्व को स्वीकार किया, तो फिर क्या हो गया, वो सगुण हो गया, लेकिन निराकार ही है। अब उस माया की कारस्थानी शुरू हो जाती है, होती मेरी सत्ता से ही है, है? होती मेरी ही उससे है, उसमें वो स्वयं तो जड़ है, तो फिर वो माया से क्या हो जाता है, वो ईश्वर सगुण रूप हो जाता है, साकार हो जाता है, तब वो होता है सगुण साकार, व्यक्त हो गए, तो सगुण साकार जैसे अब वो आप हो रखे हैं, आकार हो गया ना, गुण भी है और आकार भी है, वैसे तो कहते हैं इस प्रकार से जो मेरा मुझे भक्ति से ये पत्र पुष्प या फल या जल भी प्रदान करे तो मैं उसको क्या करता हूँ, भक्ति महत्व है उसको ग्रहण कर लेता हूँ, जो इस भाव से दिया है, किसके द्वारा दिया गया, सबके द्वारा नहीं, सबके द्वारा नहीं, प्रियतात्मा
जिसका अंतःकरण समाहित है, शुद्ध अंतःकरण उसके द्वारा क्या हुई, भक्ति कारण हुई और अंतःकरण की विशुद्धि हेतु, वस्तु नहीं अंतःकरण की विशुद्धि पूर्वक जो भक्ति है। अब अंतःकरण की विशुद्धि है इसीलिए भक्ति भी है, इसीलिए क्या है भक्ति है। अंतःकरण की विशुद्धि से भक्ति और भक्ति द्वारा जो दिया है वो क्या कहते हैं कि मैं ग्रहण करता हूँ, ठीक है। लेकिन ये किनके लिए साधन बतलाया है, जो अद्वैत आत्मनिष्ठा में जिनकी बुद्धि असमर्थ है, अशक्य है, जिनके लिए जो इस साधन में लगे हुए, श्रेष्ठ साधन है वही, ये मत समझ लेना कि साधारण है। ऐसा भाव हो, ऐसी भक्ति हो, ऐसा समर्पण हो, ये क्या है, ये बहुत श्रेष्ठ, समझ आए। तो आगे देखिए, आगे बतलाए, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। यत् करोषि, यत् करोषि, यद् अश्नासि, यत् अश्नासि, यत् जुहोषि, यत् जुहोषि, ददासि यत्, ददासि यत्, तपस्यसि, यत् तपस्यसि, मौन्तेय, मौन्तेय, तत् कुरुष्व, तत् कुरुष्व, मदर्पणम्, मद अर्पणम्, मदर्पणम्। इसलिए जिस कारण से भक्ति से जो कुछ भी मुझे दे, पत्र पुष्प फल जल, इससे साधारण और क्या होगा, पत्ते, क्या पत्ते, फूल, फल। आज तो कहेंगे महाराज आज तो बड़ा कठिन है, अन्यथा पहले क्या थे, जंगली जंगल थे। तो पत्र पुष्प फल और जल, इनके लिए विशेष उद्योग की आवश्यकता थी क्या। जो वन में रहने वाले तपस्वी वानप्रस्थी साधक थे तो उनके पास भी इनकी सुलभता थी, क्योंकि नदियाँ खूब थी। हम आपके देखते देखते कितनी नदियाँ विलुप्त हो गई, कितनी नदियाँ, कितनी नदियाँ थी, इधर से बह रही है, इधर से बह रही है, इधर से बह रही है। तो जल की कोई कमी, और पत्र की, पुष्प की और फल की, इसी प्रकार की कोई कमी थी। तो कहते पत्र पुष्प फल भी यदि भक्ति पूर्वक विशुद्ध अंतःकरण से मुझे प्रदान करे तो वो भी मैं ग्रहण करता हूँ। तो इसलिए क्या करो, यत् करोषि, यत् त्वं करोषि, जो भी तू करता है, यदश्नासि, जो भी तू खाता है, जो भी तू खाता है, यज्जुहोषि, और जो भी तू क्या करता है, यजन करता है, जुहोषि माने जो हवन करता है, स्रोत या स्मार्त, जो भी हवन तू करता है, जो सब कुछ आ जाएगा इसमें, वैदिक लौकिक समस्त कर्म, लौकिक वैदिक क्या है, दोनों ही कर्म इसमें ग्रहण कर लेंगे। तो यज्जुहोषि, जो भी तू हवन करता है, ददासि यत्, या जो भी तू सत्पात्रों को दान देता है ना, यत् तपस्यसि, और जो भी तू इंद्रिय संयम रूप या वाणी के संयम रूप जो भी तू तप करता, जो भी तप करेगा, तप तपस्यसि, जो भी तू तप करेगा, तत् कुरुष्व मदर्पणम्, तत् सर्वम् मदर्पणम् कुरुष्व, उस सब को तू मेरे अर्पण कुरुष्व माने कर, क्या कर, आदेश दे रहे, तत्
समस्तम मद अर्पणम कुरुस्व, उसको मेरे समर्पित कर दे। अरे ये तो सब क्या, ये तो मैं ग्रहण कर ही लूंगा, जो पत्र पुष्प फल भी यदि भक्ति से शुद्धांत करण होकर के मेरे को देगा, जब वो मैं ग्रहण कर लेता हूँ, सूखे पत्ते भी, पानी भी, फूल भी, फल भी, और जो इसलिए यत करोशी, जो भी तू करता है, यद स्नाशी, जो भी तू खाता है, हैं? और यज्जुहोषी, जो भी तू हवन करता है, और जो भी तू पात्रों को दान करता है, यत तपस्यसि, जो भी तू तप करेगा, तत मदर्पणम कुरुस्व, उसको क्या कर तू, मेरे अर्पण कर दे। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, कुंती नंदन, जैसे तेरी माता भक्ति वाली है ना, तेरी माता क्या है, बहुत भाव भक्ति श्रद्धा वाली है, उसी का तू पुत्र है, है? यदि ज्ञान आत्मचिंतन करने में तू अपने आप को असमर्थ पा रहा है तो ये भक्ति कर, समझ जाए, ये क्या कर, भक्ति कर मुझे परमात्मा की। अब तो तू परमात्मा के स्वरूप को जान ही गया है कि सब कुछ क्या है, परमात्मा, सब कुछ क्या है, क्योंकि सबका अंतरात्मा मैं ही हूँ, सबका अंतरात्मा मैं ही हूँ, इसलिए सब कुछ मैं ही हूँ, इसलिए सब कुछ क्या है, मैं ही हूँ। भले तू गाय की पूजा कर, लेकिन वो गाय इस नाम या इस उपाधि वाली नहीं, मुझ परमात्मा की, ये सब में समाया हुआ है। भले तू मूर्ति की पूजा कर, लेकिन मूर्ति पूजा को भी ये मत देख, ये देख कि मैं परमात्मा सब जगह समाया व्यापक है ना, मूर्ति के देख के तो स्वरूप ही होता है, चिंतन तो कहाँ करना है, है? मूर्ति यदि बाहरी रखी रहे, अंदर नहीं आएगी, तो फिर उस मूर्ति पूजा का लाभ क्या हुआ, है? मूर्ति सामने इसलिए रखी है कि वो कहाँ जाए, अंदर आ जाए, यदि वो बाहरी रखी रहेगी, अंदर नहीं आई तो, है? फिर वो भक्ति हुई क्या, चिंतन हुआ क्या, श्रद्धा नहीं हुई ना, अंतर में आ जाए, बाहर तो क्या है, केवल एक प्रतीक, प्रतीक ही तो है ये प्रतिमा जो है, ये क्या है, ये प्रतीक है, प्रतीक उपासना, भाई मन यहाँ लगा दो, शुरू शुरू में ऐसे लगाएगा, निलाने में, धुलाने में, फूल चढ़ाने में, उसमें फिर तो चिंतन ही करना है, और फिर तो पत्र भी है मानस रचित, जो आता ना शिव मानस पूजा, उसमें ऐसे ही तो है, रत्न कल्पित मासनम हिम जलई स्नानम च दिव्यांबरम, उसमें ऐसी है ना, मानस पूजा श्रेष्ठ मानी है, जैसे एक तो फूल तोड़ा चढ़ा दिया है, और एक मन से ही फूल उगाया और उस फूल को मन से ही चढ़ा दिया, वो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि इसमें आपका मन, आपकी भाषा में कहूँ तो अधिक इन्वॉल्व हुआ है, आपका मन अधिक उसमें डूबा रहा, अधिक ठहरा है, तो इसलिए क्या किया, संकल्प से ही पुष्प रचा, फल रचा है, स्वादिष्ट स्वादिष्ट फल जो है खरीद के मिल लाने है, स्वादिष्ट स्वादिष्ट फल, तो फिर कहे जी वो खरीद के बढ़िया बढ़िया खा लें, तो उसके लिए बतला दिया है कि जब खाने बैठे तब भी क्या कर, समर्पित कर, इसका मतलब ये नहीं हाँ चला कि चला वो दे दुनिया है, कि अपने भगवान तो यही खा ले और हम जो है, ऐसे नहीं है, पूजा कर दी, ध्यान कर दिया, लेकिन जब खाने बैठे तो भी क्या करें, समर्पण करके ही करें ना, हैं? त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, आपकी वस्तु है और आपको ही समर्पण, आपकी वस्तु, मेरा कुछ
मेरा क्या है, केवल भाव। मेरा क्या होता है, भाव, भाव की बात। तो इसलिए बतला दिया है कि जो भी तू करता है, जो भी करे कर्म, और जो भी क्या करे, ग्रहण करे अन्न आदि, फल आदि, जो भी भोजन आदि करे, और जो हवन करे, और जो दान दे, और जो भी तप करे, तत् सर्वम मदर्पणम कुरुष्व, उन सब को तू मेरे अर्पण कर। तू कर्म को अर्पण कर देगा तो उस कर्म, वो कर्म पूजा होगी। वो कर्म क्या हो गया, पूजा। अब वो कर्म के फल की तो आकांक्षा नहीं रहेगी ना, जब कर्म ही अर्पण कर दिया है। अब जैसे आम हमने अर्पण कर दिया तो फिर ये रस हमें मिल जाए इसका है? ये भाव रहेगा कि आम आपको दे दिया और इसका रस, ऐसे नहीं रहेगा ना। तो वैसे कर्म समर्पित कर दिए तो इसका मतलब क्या है, फल की इच्छा है क्या। जो भी कर्म करें, लौकिक या वैदिक, जो कि शास्त्र विहित हो, जो कि शुभ कर्म होना चाहिए, अशुभ कर्म, अशुभ कर्म जो है वो कैसे समर्पित कर सकता है, कर सकता है क्या है? जब अशुभ अपने को ही समर्पित नहीं करता तो अपना जो इष्ट होगा उसको समर्पित करेगा, अशुभ नहीं करेगा ना। हाँ, तो इसलिए इसे कहते हैं वही वस्तु खानी चाहिए। किसी ने पूछा जी कौन सी, क्या क्या खा सकते हैं हम, क्या खाए क्या ना खाए, कि जिस वस्तु को परमात्मा को समर्पित कर सकते हो वो सब वस्तु खाने योग्य है, और जिसको नहीं खा समर्पित कर सकते तो वो खाना, जैसे तंबाकू है, तंबाकू आदि, क्यों तुलसीदास है, या जो जर्दा वर्दा है, तो इनको क्या है समर्पित कर सकते हैं, मंदिर में लाके भोग लगाऊंगे हैं, तो इसलिए फिर उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसे ही जो भी अभक्ष्य है, आमिष भोजन, तो जो समर्पित नहीं कर सकते, जिनका भोग नहीं लगा सकते हम थाली में रख के या श्रद्धा भाव पूर्वक, तो वो सब वस्तु खाने योग्य नहीं है, स्वयं भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए। समझ आई बात। हाँ, तो इसीलिए कह दिया है यत् तपस्यसि, जो तू तप भी करे, उस तप रूप कर्म और उसका जो फल है वो दोनों से ही संबंध नहीं रहा ना आपका, क्यों जी, उस तप रूप कर्म से और उसके फल से दोनों से ही संबंध नहीं है, तो वो सब क्या कर दिया, समर्पित कर दिया परमात्मा। आपको क्या मिला, आपको क्या मिला है, आपको भक्ति मिली, प्रेम मिला, परमात्मा की कृपा मिली, आपका हृदय निर्मल हो गया। तो प्रेम मिलना तो सबसे बड़ी चीज है, नहीं, प्रेम मिलना, भक्ति मिलना, ये तो सबसे बड़ी चीज है, नहीं है। सब चाहते हैं ना कि जो भी अपना इष्ट है या पूज्य है उसका क्या मिले, उसका प्यार मिले, उसकी प्रीति मिले, सब चाहते हैं ना कि वो हमारे को स्नेह करे। तो फिर क्या है, फिर कोई भय रहता है क्या, जब कोई आपको श्रेष्ठ सामर्थ्यशाली आपको उठा ले, गोद में उठा ले, या मतलब आपका हाथ पकड़ ले, तो फिर किसी प्रकार का भय रहता है क्या, डूबने का या बहने का या गिरने का कोई भय रहता है, नहीं रहता है ना। वैसे तो ये प्रेम हो गया, इसी का नाम क्या है, इसी का प्रेम, इसी का स्नेह। तो आपने जो भी किया वो किसको समर्पित कर दिया, परमात्मा को समर्पित कर दिया, तो वो कर्म भी समर्पित हो गया, उसका फल भी समर्पित हो गया, इसलिए आपका अंतःकरण क्या हो गया, विशुद्ध हो गया, सब वासनाएं गलित हो गई, सब वासनाएं गलित हो गई। और इस भक्ति का परिणाम क्या होगा, धीरे धीरे अभेद हो जाएंगे आप परमात्मा के स्वरूप से, क्या हो जाएगा, अभेद, उसमें विलीन हो जाऊंगे, जिसको हमने क्या कहा था, सायुज्य, क्या कहा था, सायुज्य मुक्ति हो जाएगी।
और सायुज्य मुक्ति या तो सालोक्य होगी या सामीप्य होगी या फिर सारूप्य हो जाएगी, और श्रेष्ठ क्या है? सायुज्य। और सायुज्य होने का मतलब ये है कि उस वो तो उसमें विलीन हो गया, तो उसको आत्मज्ञान के लिए अलग से प्रयत्न नहीं करने पड़ेगा, क्योंकि वो उसका आत्मा हो गया ना, वो परमात्मा का चिंतन करते करते विलीन हो गया। जैसे मीरा समा गई, परमात्मा के साथ एकाकार हो गई, तो अब उसको ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा को कभी अज्ञान हुआ ही नहीं। जिस परमात्मा में वो विलीन हो गया, उस परमात्मा, वो परमात्मा तो क्या जानता है? वो ईश्वर, वो जानता है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं निरूपाधिक हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं आत्मा हूँ, वो जानता है। तो इसीलिए जो ऐसा भेद हो गया, उस परमात्मा में विलीन हो गया, बहुत श्रेष्ठ बात है ये। उसका आत्मा, इसका आत्मा, उसका आत्मा क्या हो गया? तो ये क्या हो गया? मुक्त हो गया। समझ आया? ब्रह्मा जी भी जो सृष्टि के जब प्रलय काल उपस्थित होगा, तब किनको ज्ञान देंगे? जो अपने से भिन्न है, किनको ज्ञान देंगे? जो सामीप्य वाले हैं, सालोक्य वाले हैं या सायुज्य वाले हैं, उनको ही क्या करेंगे? उनको तो ज्ञान देंगे, लेकिन जो सायुज्य हो गया वो तो एक हो गया ना, तो उसको ज्ञान देने की या उसको ज्ञान की आवश्यकता रही क्या? वो आत्मरूप हो गया है, अब उसको ज्ञान की आवश्यकता नहीं। ये भेद है। हाँ जी, तो इसलिए सब कुछ मेरे को अर्पण करो। यहाँ से ये क्या है? मंद अधिकारी की बात है, ठीक है? मंद अधिकारी की बात ये है। इसके बाद फिर क्या है? उसके ही ध्यान में रहने वाली बात। अभी तो सब कुछ कर रहा है, फिर करना कुरना सब छूटेगा, फिर क्या होगा? फिर एक ही होगा, क्या होगा? केवल परमात्मा चिंतन। फिर क्या होगा? फिर आपका जो मन बुद्धि है वो उसमें विलीन हो जाएगा, फिर ये होगा। ये तो शुरू की बात बताई। ये किसकी बात है? हाँ, आरंभ की बात है, मंद अधिकारी की बात है। जो पत्र लेके जा रहा है, पुष्प लेके जा रहा है, फल ले, पहले तो लेके जा रहा है मंदिर में, और फिर केवल बैठे बैठे भाव से ही समर्पित कर रहा है, फिर क्या कर रहा है? ये उससे श्रेष्ठ हो गया। और उसके बाद वो सब भी नहीं होता, बस केवल भगवान का ही चिंतन रह जाता है। पत्र, पुष्प, फल, ये भी, क्योंकि वो पत्र देखता है तो उसमें भी परमात्मा ही नजर, पुष्प देखता है उसमें भी परमात्मा ही नजर, क्योंकि परमात्मा में ही दृष्टि होगी। तो अब उसकी दृष्टि में केवल क्या है? केवल परमात्मा, परमात्मा। तो वो पत्र, पुष्प, फल बना सकता है क्या? वो भी नहीं हो सकता। फिर केवल परमात्मा का ही ध्यान है। लेकिन फिर कुछ समय के बाद क्या है? अभी मन बुद्धि थे हैं, लेकिन मन बुद्धि भी अब गलित हो गए, वो परमात्मा में ही विलीन हो गया मन बुद्धि भी। अब वो क्या हो गया? परमात्मा का ध्यान करते करते, जैसे भृंगी कीट, वो कीट जो है भृंगी का ध्यान करते करते क्या हो जाता है? तो वैसे ही वो साधक परमात्मा का ध्यान करते करते परमात्मा में विलीन हो गया। क्या हो गया? शरीर भले ही है, उसका चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ हो रहा है, क्योंकि जब तक प्रारब्ध है शरीर का, शरीर तब तक रहेगा, ठीक है ना? लेकिन उसका हर समय क्या है? उसकी जो मन बुद्धि है वो सब उसमें विश्राम हो गए, ठीक है? तो वो भी एक तरह से पदार्था भावनी वाली स्थिति में हो जाता है। हाँ, क्योंकि उसको बाह्य ज्ञान नहीं रहेगा पूरी तरह, जिसका चित्त डूब गया है, बाह्य ज्ञान नहीं रहता, उसी में विलीन हो गया, परमात्मा के साथ एकाकार हो गया, तब उसको अलग से ज्ञान की आवश्यकता, ठीक है? आगे देखो जी, कितनी सुंदर बात बतला रहे। शोभा शुभ फलैरेवम् मोक्षसे कर्म बंधन संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैश्यसि।
शुभ फलैहि एवं माने इस प्रकार से, एवं माने किस प्रकार से, जो कुछ भी करें वो सब क्या है, मद अर्पणम कुरुस्व, मेरे को अर्पण एवं इस प्रकार से क्या होगा, शुभाशुभ फल ही कर्म बंधन ही मोक्ष से, शुभाशुभ फल रूप से ये जो कर्म है ये बांधते हैं ना, क्योंकि जो भी कर्म होगा या तो शुभ फल होगा या अशुभ फल होगा, है ना। शुभ फल इसको स्वर्ग लेकर के जाएगा, मुक्ति नहीं देगा, अशुभ फल इसको नरक में कीट पतंग आदि योनियों में लेकर जाएगा, है ना। लेकिन जिसने कर्म और कर्म का फल किसको समर्पित कर दिया है, तो उसको शुभ या अशुभ फल मिलेगा क्या, ना शुभ मिलेगा ना। तो शुभ अशुभ दोनों जो कर्म फल है ये क्या करते हैं, कर्म बांधते हैं। कर्म जो है, कर्मणा बध्यते जंतु, कर्म के द्वारा ये जंतु बंधता है, जीव बंधता है। विद्या च विमुच्यते, और ज्ञान से मुक्त हो जाता। तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शी, इसीलिए जो पारदर्शी यति है, जो तत्व को देखने वाले हैं, वो कर्म न कुर्वन्ति, कर्म नहीं करते, मतलब आसक्ति से युक्त होकर कर्म नहीं करते। क्योंकि कर्म करना न करना, कर्म तो वो कभी नहीं करते, आत्मा कब कर्म करता है ये बताओ, हैं, आत्मा कभी कर्म करता है, अज्ञानी की ही नहीं करता, ज्ञानी की तो कहाँ से करेगा। आत्मा कर्म करता है, कौन कर्म करता है, हैं, हाँ, ये प्रकृति के जो गुण हैं यही गुणों में वर्तते हैं, शरीर अंतःकरण इंद्रिया यही करते हैं ना, और ये विषय, इन विषयों में, विषय भी प्रकृति के हैं और गुण हैं, और ये है ना प्रकृति के गुण है। अंतःकरण जो है वो पंच महाभूतों के सत्वगुण से पैदा हुआ, और प्राण जो है ये रजोगुण से पैदा हुए, इंद्रिया जो है ज्ञान इंद्रिया वो सत्वगुण से उत्पन्न हुई, और जो कर्मेंद्रिया वो रजोगुण से उत्पन्न हुई, और ये जो सारे विषय और ये स्थूल शरीर है ये सब तमोगुण से उत्पन्न हुए पंच महाभूतों के। तो इसलिए सब क्या हुआ, पंच महाभूत क्या है, प्राकृतिक है, प्रकृति के गुण है। तो इसलिए गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं ना, शरीर रूपी गुण, इंद्रिया रूपी गुण, अंतःकरण रूपी गुण, वो विषय रूपी गुणों में वर्त रहे हैं। आत्मा का क्या मतलब है, आत्मा तो सदा ही असंग है, निर्लेप है, सदा ही है ना। तो इसलिए बड़ी सुंदर बात, ये जो कर्म के पास से निकलना है ना, ये तो कठिन है। कर्मयोग आपको बता दिया है, कर्मयोग में क्या है, कर्मयोग में यही है ना, कर्मयोग में क्या बतलाया है कि निष्काम भाव से समता में स्थित होकर के क्या करो, फल की इच्छा के त्याग पूर्वक कर्म, ये तो बोला है ना, वो कर्मयोग। अब ये भक्ति योग में भी बतला रहे, ये भक्ति है, कर्म है ना बीच में, लेकिन है भक्ति। जो भी कर्म है वो तो कर्म हो रहे हैं, लेकिन वहां पर केवल कर्म था, वहां पर क्या है, केवल कर्म है, और यहाँ पर क्या है, हाँ, भक्ति पूर्वक कर्म है। सारे के सारे कर्म किए जा रहे हैं भगवदार्पण बुद्धि से, हैं, इस तरह से। तो देखो, एवं माने इस प्रकार से शुभाशुभ फलै कर्म बंधनै, शुभाशुभ फल
जो कर्मों के द्वारा बंधता है, ये जीव इससे मोक्ष से माने मुक्त हो जाएगा। तू तुम के लिए बोल, अर्जुन को सीधा उपदेश कर रहे हैं, हैं? क्या कर रहे हैं कि तू क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार से जो कुछ भी कर, क्या कर, मेरे को तद मद अर्पणम कुरुस्व, मेरे को अर्पण कर, मुझे परमात्मा अर्पण कर। तो इस ऐसा करने से तेरे को जो ये कर्म बंधन रूप है शुभाशुभ फल, वो तेरे लिए बंधन रूप नहीं रहे। इतनी बड़ी बात, छोटी बात बहुत बड़ी बात, क्योंकि आसक्ति से युक्त होके ही कर्म करता रहता है और बनता रहता है, हैं? उन कर्मों का फल भोगना पड़ेगा ना, बनता रहता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से बतला दिया, संन्यास योग युक्तात्मा, संन्यास योग इसको क्या कहेंगे, संन्यास योग कहेंगे इसको। क्यों? क्योंकि इसमें कर्म, कर्मों का किसने संन्यास कर दिया है, परमात्मा। कर्मों का क्या किया है, परमात्मा ने कर दिया ना। तो संन्यास योग से युक्त आत्मा माने अंतःकरण, संन्यास योग से संयुक्त है अंतःकरण जिसका, ऐसा जो साधक है, ये साधक हुआ ना, कौन, जिसने जो कुछ भी किया सब कुछ किसको क्या कर दिया, परमात्मा को समझ लिया। ये कर्म से थोड़ी सी ऊपर की स्थिति, जो निष्काम भाव से कर्म करते हैं ये उससे ऊपर की स्थिति। लेकिन ये जो भक्ति है, भक्ति में अंतिम की उपस्थिति नहीं, अंतिम की स्थिति नहीं है, ये भक्ति में सबसे शुरुआत की है। भक्ति में ये सब क्या है, आरंभ की ही बात है कि जो कुछ भी करे, क्योंकि वो कर रहा है अभी, अभी उसकी इंद्रियों द्वारा शरीर द्वारा सब कुछ हो रहा है, तो वो सब का सब क्या करता है, परमात्मा को अर्पण करता है, ठीक है। और फिर भक्ति में आगे बढ़ता है तो फिर क्या है, केवल भक्ति में लग जाता है, फिर कुछ और नहीं करता है, फिर कुछ और नहीं करता है, फिर सब कुछ परमात्मा को की भक्ति के, परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए करता है। अभी तो क्या है, समझ लीजिए, अभी वो सब कर्म कर रहा है, क्या कर रहा है, सब कर्म कर रहा है जो भी व्यवहार में उचित है, जो भी व्यवहार में आवश्यकता है उन आवश्यक कर्मों को कर रहा है, लेकिन सबका सब किसको अर्पित कर देता है, कर्म और कर्म फल परमात्मा, ये शुरुआत। उसके पश्चात अब उसके कर्म जो है वो समाप्त होते जा रहे हैं, अब कर्म उसके जो व्यवहार के कर्म है, लेने देने के कर्म है, वो सब छूट गए, अब वो केवल भक्ति कर रहा है। फूल तोड़ना, फल तोड़ना, जल लाना, वो केवल किस लिए, परमात्मा को प्रसन्न करने। अब केवल परमात्मा को प्रसन्न करना है, पहले भी परमात्मा को प्रसन्न करने का भाव है, लेकिन पहले बीच में व्यवहार भी है, अपने जो आवश्यक कर्म है वो भी कर रहा है। अभी क्या कर रहा है, अपने गुजारे के लिए, शरीर के लिए या जो भी परिवार के लिए अभी जो जरूरी कर्म है वो कर रहा है, व्यापार आदि जो भी है। लेकिन ये जो स्थिति आ गई, इसमें व्यापार आदि छूट गया, अब केवल क्या कर रहा है, परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए कर्म कर रहा है, ये दूसरी कोटि हो गई। तीसरी कोटि जो मैंने आपको बताया था, अब तक फूल पुष्प पुत्र ये पुष्प आदि तोड़ के लाता था, अब बैठ करके केवल मन से ही समर्पित करेगा, ये और ऊपर की स्थिति हो जाएगी। उसके पश्चात केवल परमात्मा का ही, क्योंकि पुत्र पुष्प भी पत्र भी फल भी उसके लिए सब जगह क्या नजर आएगा, परमात्मा ही नजर आ रहे हैं, तो इसलिए फिर अब वो ये भी सब छूट गया, केवल परमात्मा ही रह गया, तो परमात्मा के चिंतन में उसकी जो अंतःकरण है, मन बुद्धि, वो पूरी तरह विलीन हो गया, तो फिर ये परमात्मा चिंतन में ही विलीन हो गया।
पहले थोड़ा सा प्रयत्न करता है और फिर ये स्वाभाविक, समझ आए। तो ये कर्म जो है निष्काम कर्म, ये उससे ऊपर की स्थिति है। कौन सी? तत्कुरुष्व तत्सर्वम मद अर्पणम कुरुष्व, इस सब को जो कुछ भी तू करे उन सब को मेरे को समझ। ये कर्म कांड से थोड़ा सा कर्मयोग से भक्ति, लेकिन भक्ति का निचला ही पायदान है। भक्ति का क्या है? नीचे वाला पायदान। वानप्रस्थियों के लिए नहीं है, गृहस्थों के लिए। अब गृहस्थ है उसको तो क्या है, अपने गृह कार्य करने पड़ेंगे। तो गृहस्थों के लिए नियम बताया। आप सोचो, आपके लिए, आपके लिए नहीं है, आपके लिए तो बस केवल हाँ परमात्मा का ही चिंतन करना, बाकी ये पटाखे पटाखे वाले बेचेंगे, ठीक है ना। हाँ अच्छा जी, देखो क्या कहते हैं, समझ आया। संन्यास योग युक्तात्मा, ये क्या है? संन्यास योग से युक्त अंतःकरण वाला। संन्यास योग क्यों हो गया इसका, समझ आया? क्योंकि इसने समस्त कर्म किसको समर्पित कर दिए, तो इसलिए कर्म और कर्म फल से इसका कोई संबंध नहीं रहा, तो इसीलिए संन्यास योगी हो गया। ये भी क्या हो गया? संन्यास। संन्यास योग से युक्त अंतःकरण वाला विमुक्ता माम उपैश्यसी, वो क्या है? समस्त कर्म और कर्म फल से मुक्त होकर के माम उपैश्यसी, मेरे को ही प्राप्त कर लेगा। त्वम त्वम माम उपैश्यसी, तू मेरे को ही प्राप्त कर लेगा, समझ आए। इस प्रकार से जो भी तू कुछ जो कुछ भी करे वो सब का सब क्या कर, मेरे को अर्पण कर। सब का सब क्या कर, मेरे को अर्पण कर दे। जो भी खाए, जो भी पिए, जो भी हवन करे, जो भी तप करे, वो सब का सब हैं मेरे को अर्पण कर, ठीक है। हाँ उसका थोड़ा सा गलत रह गया विच्छेद हमारा ना, यत तपसी असी वो करना था। क्या दिया उसमें, ये दिया है क्या दिखाना? मैंने भी सीधा ही कर दिया है, अभी ये तो बारीक की बात है। तपस्यसी क्या लिख दिया है, जो ऊपर वाले में आया ना, यत तपस्यसी, जो भी तप करता है, तो इसका तपसी असी ठीक रहेगा। यत तपसी, जो भी तप करता है, असी त्वम तेरे लिए आ जाएगा। और तपस्यसी सीधा रखेंगे तो भविष्य में, भविष्य के अर्थ तो वो भी लग जाएगा, पर फिर तप करता है नहीं अर्थ लगेगा, तप करेगा तब भविष्य में अर्थ लगना चाहिए। नहीं, हिंदी वालों की यही तो कहानी है। तो तपसी असी ही ठीक लग रहा है, देखना पड़ेगा थोड़ा ये कि तपसी असी, वैसे तो ये भी सही है क्योंकि तपसी भी शब्द बनता है और असी भी शब्द बनता है। तपती तपता तप तपंती तपसी, मध्यम पुरुष का एक वचन हमें चाहिए था। तो यत तपसी असी त्वम, जो भी तू तप करता है तब ठीक अर्थ लगेगा। और तपस्यसी सीधा अर्थ लगेंगे तो जो भी तू तप करेगा ये लगेगा। अच्छा जी, तो जो कुछ भी तू करता है सब मेरे को अर्पण कर दे। तो ऐसा करने से शुभाशुभ जो कर्म फल बांधने वाले हैं उनसे तू क्या हो जाएगा, मोक्ष से मुक्त हो जाएगा। और ऐसा जो संन्यास योग से युक्त अंतःकरण वाला तू, अर्जुन को कह रहे हैं तू,
विमुक्तः समस्त कर्म फल से मुक्त होकर के माम उपैश्यसि मेरे को ही प्राप्त कर लेगा। क्या करेगा? मेरे को ही प्राप्त कर लेगा। तो इस प्रकार से बतला दिया, घबराने की बात नहीं है भाई, सब कर्म कर, तीनों तरह से बतला दिया। नहीं, तू आत्मा है और ये भी सब क्या है, आत्मा ही है। आत्मा में स्थित होकर के जो भी तेरा अपना व्यवहार है, माम अनुस्मर युद्ध कर, ये बतला दिया। फिर ये बता दिया निष्काम भाव से कर्म कर, फल की युद्ध में विजय मिलेगी या हार मिलेगी, मरूंगा या जीऊंगा, सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, सारी आशा का परित्याग करके सब समता में स्थित होकर फल की इच्छा का त्याग करके क्या कर, युद्ध कर अपना कर्म। ये कर्म के अनुसार बता दिया है। और अब क्या बतला दिया, जो कुछ भी तू करे वो मेरे को अर्पण कर दे। अभी क्या करेगा, युद्ध करेगा। अभी क्या करना है तेरे को, तो वो युद्ध भी क्या कर, मेरे को अर्पण कर। अब उससे जो पाप पुण्य वो तेरे को नहीं लगेगा, तू केवल क्या कर रहा है, कर्म कर रहा है, और वो भी है मेरे को अर्पण कर रहा है मेरी आज्ञा से। और मेरे तूने नहीं प्रयत्न किया युद्ध के लिए, तुमने तो युद्ध ना हो इसके लिए, अब सर पे आके पड़ गया तो कर, लेकिन उसको क्या कर, मेरे को अर्पण कर। तो इस कर्म फल से तू नहीं बोल। तो ये भक्ति तीनों के अनुसार बता दिया, कर, क्या कह रहे हैं, कर असंग भाव से कर, मतलब निष्काम भाव से कर, ये तो कर्म के द्वारा बतला दिया है। दूसरा भक्ति के द्वारा बतला दिया, जो कुछ भी कर मेरे को अर्पण करके कर, मेरे को अर्पण कर दे। और तीसरा क्या बता दिया, ज्ञान के द्वारा तू आत्मा है और गुण ही गुणों में व्रत रहे, शरीर के द्वारा इंद्रियों के द्वारा युद्ध लड़ा जाएगा, तो इससे तेरे को कोई आत्मा को पाप नहीं लगेगा, बंधेगा नहीं। बंधने से पाप पुण्य जो करते हैं वो उसी से तो बंधता है, उससे मुक्त कर। तो आगे देखो आगे क्या कह रहे, राग द्वेष वान्तरि भगवान यतः भक्तान अनुगृह्णाति नेतरानिति तन्ना। भगवान तो फिर राग द्वेषी हो गए हैं, जो भगवान को भजन करे तो उसके ऊपर क्या करें, अनुग्रह करता है, और जो भजन नहीं करता है उसके ऊपर अनुग्रह नहीं करता है। तो कहते ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, राग द्वेष वाला मैं नहीं हूँ। तो उसी बात को बताने के लिए 29 वाला श्लोक है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ते तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् समहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यः अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चापि अहम् समहम सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु अहम तु समा एव मैं तो समस्त भूतों में समान ही हूँ, तुल्य ही, किसी में कम किसी में ज्यादा ऐसा। जो सूर्य की उपासना करें या जो सूर्य को गाली दे, तो सूर्य क्या है, दोनों के लिए दोनों ऐसे तो है नहीं कि जो पूजा करता है उसको भाई प्रकाशित करूंगा उसकी सर्दी दूर भगाऊंगा, और जो सूर्य को गाली देने वाले हैं वो तो क्या है, उनकी सर्दी नहीं भगाऊंगा और उनको प्रकाशित नहीं करूंगा, है उनको नहीं दिखाई देगा, ऐसा करता है क्या, क्यों, क्योंकि वो सम है,
अब कोई सूर्य के प्रकाश में आग बंद करके चले ठोकर लग जाए तो उसमें दोष किसका है? सूर्य का दोष है क्या? तो सूर्य के लिए तो क्या है, दोनों ही समान ही है। इसी बात को बतला रहे हैं कि अहम तु सर्वभूतेषु समा एव, मैं तो समस्त भूतों में क्या हूँ, समान ही हूँ। न मे द्वेष्यास्ति न प्रिया, वास्तव में न तो मेरे कोई द्वेष के योग्य है और न ही मेरा कोई प्रिय है। न तो मैं किसी से द्वेष करता हूँ और न कोई मेरा ऐसा कोई प्रिय ही है। राग से रागपूर्व क्या, न तो कोई मेरा द्वेष्य है और न किसी का मेरे कोई राग ही है। न राग है न द्वेष, मेरे में राग या द्वेष ना कोई राग का विषय ना कोई द्वेष का विषय, ना कोई प्रिय ना कोई द्वेष, मैं तो सब भूतों में समान ही। फिर दृष्टांत साम वाला ध्यान रखना कि अग्नि सबको क्या करती है, हैं? कोई भी हो लेकिन जो अग्नि के समीप बैठता है उसकी सर्दी दूर भागती है, और जो अग्नि से दूर रहता है तो उसकी सर्दी नहीं भागती है। लेकिन अग्नि के लिए कोई द्वेष्य या कोई प्रिय है क्या? कोई द्वेष्य प्रिय नहीं है। जो समीप जाता है, वैसे ही जो परमात्मा से मन बुद्धि जिसकी दूर रहती है तो वो परमात्मा की सन्निधि का लाभ, जो शांति जो आनंद है उसका लाभ नहीं ले पाता है। अब जो गंगा जी से दूर होगा तो उसको वो शीतलता मिलेगी क्या, और जो गंगा किनारे जाके बैठेगा तो उसको क्या मिलेगी, शीतल शीतल हवा का स्पर्श मिलेगा, हैं? और दूर रहेगा तो उसको नहीं मिलेगा ना। तो गंगा जी के लिए क्या द्वेष्य हो गया, अग्नि के लिए जिस प्रकार से, इसी प्रकार परमात्मा के लिए न कोई प्रिय है न कोई द्वेष्य है। कहते मेरे को कोई प्रिय या द्वेष्य नहीं है। ये भजन्ति तु माम भक्त्या, ये माम भक्त्या भजन्ति, जो मेरे को भक्ति पूर्वक भजन करते हैं, भजन करते हैं अर्थात जिनकी मन बुद्धि मेरे समीप मेरे में ठहरी है, इसलिए उनकी मन बुद्धि को शीतलता शांति आनंद का अनुभव होगा ही नहीं। भाई जो दूर नज़दीक होगा और जो दूर होगा उसको कैसे हो गया, तो इसलिए कह रहे हैं ये माम भक्त्या भजन्ति, तू माने किंतु मेरा कोई भेद नहीं है, अग्नि का कोई भेद नहीं है, अग्नि पूजक के लिए या अग्नि द्वेषी के लिए, दोनों के लिए अग्नि क्या भोजन पकाती है, जो अग्नि में आहुति दे उसका अग्नि को खिला के खाता है उसको भी, उसका भोजन भी पकाती है अग्नि, और जो अग्नि को पूछता नहीं है उसका भी भोजन पकाती है ना, या नहीं पकाती है? पकाती है। लेकिन बस यही है भेद कि ये माम भक्त्या भजन्ति, जो मेरे को भक्ति पूर्वक भजते हैं, मई ते तेषु ते मई ते वे मेरे में, वे क्या है मेरे में, अर्थात उनकी मन और बुद्धि मेरे में टिकी हुई। तेषु च अपि अहम्, और मैं भी उनमें हूँ, ते मई वे मेरे में है, तेषु अहम् अपि और मैं भी उनमें हूँ। क्यों, मतलब मैं भी उनको प्रकाशित हो रहा हूँ ना, उनको तो नहीं दिख रहा है, जो संसारी है उनको दिखता है क्या परमात्मा हृदय में होते हुए? तो कह रहे हैं उनका मन और बुद्धि मेरे में है, इसी कारण से मैं भी उनमें हूँ। समझ आ रही है बात, नहीं आ रही? मन बुद्धि मेरे में लगे हुए हैं, लगे हुए हैं ना, परमात्मा सब में है, लेकिन जिसका मन बुद्धि लगा है उसी को अनुभव में आता है ना कि मेरे अंदर परमात्मा है, हैं? अब होते हुए भी नहीं है, होते हुए भी नहीं है ना, जबकि परमात्मा किस में नहीं है, कहाँ नहीं है,
लेकिन होते हुए भी नहीं है, आपकी दृष्टि नहीं जाती। जैसे जिसके आंखें नहीं है सूर्य होते हुए भी या जो सोया हुआ है उसके लिए सूर्य उदय हो गया, होते हुए भी उदय हुआ क्या? तो वैसे ही परमात्मा सबके अंदर होते हुए भी, जो संसारी है, बहिर्मुखी है, विधर्मी है, पापी है, उसके लिए परमात्मा है क्या? जो परमात्मा में जिनका मन बुद्धि लगा हुआ है, जिनका मन बुद्धि परमात्मा में है, वो परमात्मा भी उनमें, उनको परमात्मा अपने अंदर भी दिखता है, है? हाँ, वैसे ही जिस कहते हैं, जिस प्रकार सूर्य का जो तेज है वो दर्पण में फलित होता है, प्रतिफलित होता है ना दर्पण में, और दर्पण के ऊपर यदि मैल चढ़ा हो तो नहीं फलित होता है ना, तो क्या सूर्य का तेज नहीं हुआ? अब सूर्य का तेज दीवार पर पड़ता है, भूमि पर पड़ता है और शीशे पर पड़ता है, लेकिन शीशा जो है वो शुद्ध होने के कारण से उस पर वो तेज प्रतिफलित होता है, और दीवार पर और भूमि पर जो पड़ रही है किरणें वो प्रतिफलित नहीं होती। तो उसमें क्या किरणें नहीं पड़ रही है? दीवार पे नहीं पड़ रही है, भूमि पे नहीं पड़ रही है, वही किरणें और वही किरण, लेकिन वो उसमें क्या हो रही? प्रतिफलित हो रही है। तो उपाधि की पवित्रता के कारण, उसमें कारण क्या है? उपाधि की निर्मलता ही कारण है ना। तो वैसे ही मैं सब में हूँ, लेकिन जिनकी मन बुद्धि रूप उपाधि मुझ में लगी हुई है, मेरी भक्ति में लगी, उनकी बुद्धि क्या होगी? निर्मल होगी। इस कारण से उनको मैं अपने में भी, ते मई वे मेरे में है और अहम तेज हूँ मैं उनमें, समझ आए? वैसे तो स्पष्टीकरण दे रहे हैं, वैसे तो समस्त भूतों में मैं समान रूप से हूँ, समस्त भूतों में मैं समान रूप से हूँ, ना मेरा कोई द्वेष्य है ना कोई मेरा प्रिय है, लेकिन जो भक्ति पूर्वक मेरा मेरे को भजते हैं, जिनका मन मेरे चिंतन में लगा हुआ है, वे मेरे में, क्योंकि मन लगा हुआ है उनका, तो जहाँ मन है आप वहीं तो हो, आपका शरीर यहाँ बैठा, मन कहीं और हो तो आप वहीं हो ना, जहाँ मन है, नहीं तो वे मेरे में है, हो गया बात, और मैं उनमें हूँ, क्योंकि मेरा उनका मन मेरे में लगा हुआ है, तो इसलिए मेरे को दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार से ये बात बतला दी गई है, और घबराने की बात नहीं है। क्या कह रहे हैं? घबराने की बात नहीं है। जो पापी हो उनके लिए, उनके भी कल्याण का उपाय है, तो उनके कल्याण का उपाय जो है वो कल बताए, है ना, जो पापी है उनका भी कैसे कल्याण हो जाता है, इस बात को कल बतलाएंगे। और आज इतना ही। ओम।